हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी मैक्रोनी रेसिपी। मैक्रोनी रेसिपी से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैक्रोनी रेसिपी के लिए मैंने 2 कप मैक्रोनी ली है, यानी 200 ग्राम मैक्रोनी ली है। 3 टमाटर मैंने इसकी प्यूरी बना ली है। 1 मिर्ची जो मैंने पहले से ही काट के रखी है। स्वीट कॉर्न आधी कटोरी। 2 स्पून टोमेटो सॉस। 2 ऑनियन जो मैंने पहले से ही काट के रखे हैं, इसके लिए मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये अपना पानी बॉईल हो चुका है। मैंने इसमें 1 लीटर पानी जो डाला था वो पानी अपना अच्छे से बॉईल हो चुका है और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ही ऑयल डाला है जिससे अपनी मैक्रोनी चिपके नहीं। अब हम इसमें ये सारी मैक्रोनी डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी मैक्रोनी इसमें डाल दी। अब हम इसे बॉईल होने तक इसी तरह हम पकाएंगे और ऐसे बीच में 1-2 बार इसे इस चम्मच से हम चला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अपनी मैक्रोनी अच्छे से बॉईल हो चुकी है और ये डबल हो गई है। अब हम इसे छान लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। मैंने इसमें 3 टीस्पून ऑयल डाला है। ये अपना तेल अब गर्म हो चुका है। हम सबसे पहले हम इसे ये हरी मिर्ची डालेंगे और इसे थोड़ी सी पका लेंगे इस तरह। और अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे फिर, और इसे भी हम थोड़ा सा पका लेंगे इस तरह। देखिए फ्रेंड्स, अपने प्याज अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें स्वीट कॉर्न डाल देंगे और आपकी मनपसंद सब्जी आप इसमें डाल सकती हैं। फिर इस तरह हम इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें ये टमाटर प्यूरी डाल देंगे फिर, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसी के अंदर हम 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये टोमेटो सॉस डाल देंगे फिर, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ये मैक्रोनी डाल देंगे फिर। अब इसे हम अच्छे से ये मिक्स कर लेंगे इस तरह, और इसे 1 मिनट तक हम ढक दे के इसे पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अपनी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे आपको प्लेट में डाल के बता दूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये अपनी मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। अब मैं गार्निश के लिए ऊपर से ये हरा धनिया डाल दूंगी। तो आप घर पे जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू।